नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। बदायूं से बैंकिंग न्यूज। नाजिर खा। बीते एक दिन पूर्व दिन शनिवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज के 5 छात्र महाशिवरात्रि पर्व पर कछला गंगा घाट पर गंगा स्नान करने गए थे। गंगा स्नान करते वक्त 5 छात्र गंगा नदी में डूब गए थे, जिसमें 2 छात्रों को सुरक्षित गोताखोरों ने गंगा नदी से सुरक्षित निकाल लिया, वहीं 3 छात्र लापता हो गए। दिन शनिवार को कछला घाट पर SDRF टीम थाना उझानी प्रभारी निरीक्षक में मैफोज के साथ सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान दिन रविवार को दोपहर 12 बजे गंगा नदी में SDRF की टीम ने 3 छात्रों के शव को बरामद कर लिया। व्हाइट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह, जनपद बदायूं। जी सर, बदायूं में कल जो है जैसे 5 छात्र डूब गए थे, जिसमें 2 को निकाल लिया गया और 3 की तलाश जारी थी। आज क्या कितनी डेड बॉडी मिली है? ये जनपद बदायूं में कल दोपहर 1 बजे के आसपास कछला घाट में जो निषिद्ध स्थान था, उस वहाँ पर जाकर के स्नान करने के कारण 5 MBBS के छात्र डूबे थे, जिसमें तुरंत ही गोताखोरों ने 2 को बचा लिया था और शेष 3 के लिए कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। हमारे स्थानीय गोताखोर, स्थानीय टीम और SDRF की टीम लगातार कल शाम से ही सर्च कर रही थी। आज अभी थोड़ी देर पहले वहीं पे 700-800 मीटर की दूरी पे तीनों जो मिसिंग बच्चे थे उनकी शव प्राप्त हो गए हैं। इसमें पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.